जबलपुर में 14 मई को नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर के अंदर गंभीर मामलों में कैद दो कुख्यात बदमाशों के बीच झड़प होने के बाद जेल प्रबंधन ने एक अहम कदम उठाया है। आपको बता दें कि जिले प्रबंधन ने केंद्रीय कारागार के बाद गैंगस्टर छोटू चौबे को बड़वानी की जेल में शिफ्ट किया है। जेल में कहीं किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना न हो, इसलिए जेल प्रबंधन ने ये निर्णय लिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गैंगस्टर संजय सारंग और गैंगस्टर छोटू चौबे के बीच किसी बात को लेकर झूमा झपटी हो गई थी। इस बीच संजय सारंग ने छोटू चौबे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। वहीं जेल के भीतर हुई इस घटना के बाद से दोनों गैंगस्टर को अलग अलग बैरक में रखा गया है, जिसमें केंद्रीय जेल प्रशासन को एक ऐसा लगा कि भविष्य में कोई बड़ी घटना न हो, इसलिए छोटू चौबे को प्रदेश के बड़वानी जिले की जेल में शिफ्ट किया गया है। जो अपराधी है अंडर ट्रायल, इसके द्वारा नुकीली धारदार वस्तु से हमला किया गया था, जिसको उससे मामूली से चोट आई थी एवं उसको तो यहाँ से उस बंदी को विचाराधीन बंदी को ट्रांसफ़र कर दिया गया था। क्योंकि छोटू चौबे भी एक आतंक अपराधी है, तो अन्य विरोधी ग्रुप के ही बंदी होने के कारण छोटू चौबे की स्वयं की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए उसको भी इस जेल से अन्य जेल बड़वानी केंद्रीय जेल भेजा गया है। क्योंकि छोटू चौबे की भी बहुत से व्यक्ति आते जाते रहते हैं, विरोधी पक्ष के भी आते जाते रहते हैं, भविष्य में कोई घटना घटित ना हो इस उद्देश्य से अन्य जेल इसे ट्रांसफ़र किया गया है। पेशी के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, वीसी से पेशी हो जाती है। यदि फिजिकल मजिस्ट्रेट से आप चाहते हैं तो फिजिकल लाने की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी।